मैं जल्दी जल्दी कामों से फ्री हुई और नहा धोकर नया सूट पहन लिया। काफ़ी दिन हो गए थे मुझे अपने पति के साथ बैठकर बातें करने का मौका ही नहीं मिला था। हम घरेलू औरतें बस यही तो चाहती हैं कि हमारे पति हम पर ध्यान दें, अपना वक्त हमारे साथ गुजारें और हम उनके साथ प्यार के कुछ मीठे बोल बोलें। लेकिन इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में बच्चों के साथ इन सब चीज़ों का मौका ही कहाँ मिलता है। मेरे बच्चों के स्कूल की छुट्टियां थी, वो भी नानी के घर रहने चले गए, इसलिए मुझे भी कुछ फुर्सत हुई और मैंने जल्दी जल्दी घर के सारे काम खत्म किए और तैयार हो गई। मैं चाहती थी कि आज मैं अपने पति राज के साथ बहुत सारा वक्त गुजारूं। हम दोनों शादी की शुरुआती दिनों की तरह एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर बहुत सारी बातें करें। बस यही सोचकर मैंने अपना एक पिंक कलर का सूट निकाला, क्योंकि राज को पिंक बहुत पसंद है। और मैं तैयार होकर अब मैंने जब खुद को शीशे में देखा तो हैरान रह गई। जरा सी मेहनत में मैं पूरी तरह बदल चुकी थी, मुझे अपने आप पर हंसी आ गई। मैंने खुद को घर और बच्चों में इस कदर उलझा दिया था, ना पति और ना ही अपने लिए वक्त निकाल पाती थी। मैं बहुत खूबसूरत थी और शादी से पहले तो दुबली पतली भी थी, लेकिन वक्त वक्त के साथ साथ मोटी भी हो गई और दो बच्चों की पैदाइश में मेरी खूबसूरती भी काफ़ी हद तक ढल गई थी। अब जब तैयार होकर खुद को शीशे में देखा तो खुशी सी महसूस होने लगी। पहली बार लगा कि इंसान को अपने लिए भी जीना चाहिए। मैंने दिल ही दिल में इरादा किया कि अब अपना वजन भी कम करूंगी ताकि दोबारा अब पहले जैसी हो जाऊं। मैं खाना तैयार कर चुकी थी, घड़ी को देखते हुए चाय का पानी भी चढ़ा दिया। थोड़ी ही देर में घर का दरवाज़ा बजने लगा, मुझे लगा कि राज आ गए। मैंने जल्दी से अपनी लिपस्टिक को गहरा किया और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजे पर राज की जगह वही हिजड़ा खड़ा था, जिसे देखकर मुझे उलझन का एहसास होता। उसकी फजूल सी बात मेरा दिमाग ख़राब कर देती। उसने मुझे इतना सजा संवरा देखा तो कहने लगा, मैडम क्या बात है, आज बड़ी खुश हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से से दरवाज़ा बंद करने लगी, तो उसने अपना हाथ लगाकर मुझे दरवाज़ा बंद करने से रोक दिया और कहने लगा, मैडम अगर हमेशा इसी तरह खुश रहना चाहती हो तो फिर अपनी एक उतरन मुझे दे दो, नहीं तो देखो तुम्हारा पति दूसरी शादी कर लेगा। मुझे उसकी बेतुकी बात पर गुस्सा आ गया। मैंने हमेशा सुन रखा था कि हिजड़ों की दुआओं में बड़ी ताकत होती है, उनकी हर दुआ बद्दुआ कबूल हो जाती है। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम आए दिन मेरे दरवाजे पर आकर ऐसी बातें करते हो। मेरा पति एक वफादार मर्द है और वो कभी मुझे धोखा नहीं देगा, और मैं क्यों तुम्हें अपने कपड़े दूं, सब तुम ले जाओगे तो मैं क्या पहनूंगी। वो कहने लगा कि मैडम घर बचाना चाहती हो तो दे दोगी। मैंने इनकार में सर हिलाया और कहा कि नहीं है कोई सूट मेरे पास, आज तुम ऐसे ही चले जाओ। वो बीच दरवाजे पर खड़ा हो गया और बातें बनाने लगा, बार बार कहता कि मैडम देखो तुम्हारा पति दूसरी शादी कर लेगा तो तुम पछताओगी, सिर्फ एक ही सूट तो मांग रही हूँ, तुम्हारे पास कौन सी किसी चीज़ की कोई कमी है। ना चाहते हुए भी मैंने अपना एक पुराना सूट लाकर उसे उसके हवाले किया और उसके आगे हाथ जोड़ दिए कि मेरे पति की दूसरी शादी की बात मत किया करो, हम अपने घर में बहुत खुश हैं। मेरी बात सुनकर वो बहुत ज़ोर से हंसा और अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखता हुआ आगे बढ़ गया। मेरा अच्छा खासा मूड ख़राब हो गया था, समझ नहीं आ रहा था कि ये हिजड़ा मेरी उतरन का करता क्या है। देखने में भी वो लंबा चौड़ा जवान मर्द जैसा था, मेरे कपड़े उसे तो आने से रहे लेकिन ना ही उसने कभी पैसे मांगे थे ना ही कोई और चीज़, बस हमेशा यही कहता कि मैडम अपने उतरन दे दो। कभी कभी तो मुझे खौफ आता कि अगर मैंने उसे अपने कपड़े नहीं दिए और उसकी बद्दुआ कबूल हो गई तो मेरा बसा बसाया घर ख़राब हो जाएगा, और यही खौफ मुझे मजबूर करता था कि मैं उसकी बात मान लूँ। मेरा गुस्सा कुछ ठंडा ही हुआ था कि फिर दरवाज़ा बजा, इस बार राज आ गए थे। मैं फ़ौरन ठंडा पानी लेकर उनके पास आई, उन्होंने पानी पिया मगर मेरे दिल में एक अजीब सी आग लग गई थी। वो सोफे पर टेक लगाकर आंखें बंद करके बैठे हुए थे, उन्होंने एक नज़र उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा और ना ही मेरी तैयारी को नोट किया था। सारे अरमान ठंडे हुए तो मैंने खुद ही धीरे से उन्हें पुकारा कि राज थोड़ी देर मुझसे बातें करें ना। बिना आंखें खोले ही वो कहने लगे, मेरे सर में बहुत दर्द है अमृता, तो मुझे चाय लाकर दे दो, मैं चाय पीकर कुछ देर सो जाऊंगा। उनकी इस बात पर मेरा दिल कुछ टूटा था, मैं खामोशी से उठ गई। चाय तैयार थी, मैंने चाय निकाली। मैं चाहती थी कि वो मेरी मेहनत को नोट करें, मेरी तैयारी को सराहें, मुझसे बातें करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वो चाय पीने के लिए उठे तो भी एक सरसरी नज़र मुझ पर डाली और कहने लगे कि कहीं जा रही हो या कोई आया था। मैंने मुस्कुरा कर कहा कि मैं आपके लिए तैयार हुई हूँ। मेरी बात पर वो ज़ोर से हंसे और कहने लगे, अगर कोई फरमाइश है तो वो ऐसे ही कर दो, और इस उम्र में इन सब की क्या ज़रूरत है। उनकी ये बात मुझे बहुत बुरी लगी थी
और वो मेरी खुशी, मेरी तैयारी को वो स्वार्थी बता रहे थे। मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मैं उनके सामने से उठ के कपड़े बदले, कानों से झुमकी उतार के साइड टेबल पर फेंक दी और किचन में जाकर कामों में लग गई। काम क्या थे, बस मैं अपना गुस्सा कम कर रही थी, साफ बर्तनों को दोबारा साफ कर रही थी और आंखों से आंसुओं को बहने दे रही थी। ये मर्द पता नहीं क्यों इतने बेहोश होते हैं, इन्हें छोटी छोटी बातों का एहसास ही नहीं होता और ये छोटी छोटी बातें हम औरतों को तोड़ कर रख देती हैं। कुछ देर बाद जब मेरे दिल का गुबार कुछ हल्का हुआ तो मुझे लगा कि शायद इसमें राज की कोई गलती नहीं है। मैं ही पिछले 6 वर्षों में से उन्हें अपना ध्यान और वक्त नहीं दे पाई थी, ना ही कभी इतना वक्त निकाल पाई थी कि उनके लिए तैयार होती। इसीलिए आज जब मैं उनके लिए तैयार हुई तो शायद ये बात उन्हें अजीब लग रही थी। बच्चे पूरे 1 हफ्ते के लिए अपनी नानी के घर गए थे, इसलिए मैंने सोचा था कि अब मैं रोज़ इसी तरह तैयार होंगी और फिर राज को पता चल जाएगा कि ये कोई फरमाइश के लिए नहीं बल्कि मेरी उनके लिए वो मोहब्बत है जो बच्चे होने के बाद कहीं खो गई। चाय पीकर राज तो सो गए और फिर खाने के वक्त उठे, खाना खाया और घर से निकलने लगे। मैंने फौरन पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? वो कहने लगे, तुम्हें पता तो है मैं रोज़ इस वक्त बाहर निकलता हूँ, कुछ देर दोस्त यारों में बैठ कर ही घर लौटता हूँ। राज की बात पर मैं हैरान हुई। मैंने कहा कि हाँ, मैं जानती हूँ आप रोज़ाना इस वक्त बाहर जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताते हैं, लेकिन इस वक्त मुझे बच्चों के काम हुआ करते थे। बच्चों को होमवर्क करवाना होता था, उनके स्कूल की तैयारी करनी होती थी। आज पहले जैसा कुछ भी तो काम नहीं है, तो आप ही बाहर ना जाएं, कुछ वक्त मेरे साथ बिता लें। बच्चे नहीं हैं, मैं सारा दिन अकेली थी और अभी आप चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? राज को हैरत का झटका लगा और कहने लगे, तो ऐसा कहो कि हमारे बच्चों के बगैर तुम्हारा दिल नहीं लग रहा है, इसलिए तुम्हें मेरा ख्याल आ गया है। तुम बर्तन धोकर सो जाओ, मेरे दोस्त मेरे इंतज़ार कर रहे होंगे। राज ने मेरी किसी तरह की फीलिंग्स का कोई ख्याल ना किया और सीधे घर से बाहर निकल गए। पहली बार मुझे एहसास हो रहा था कि वो मुझसे और घर से काफ़ी दूर हो गए थे। ये उनका रोज़ाना का रूटीन था कि वो ऑफिस से आकर सो जाते और फिर रात के खाने के बाद घर से बाहर निकल जाते, लेकिन इतने दिनों से मैंने उनकी रूटीन को महसूस ही नहीं किया था। आज जब अकेली थी तो इसी बात का एहसास हुआ कि मेरे और राज के बीच दूरी आ चुकी है। मैं उनका इंतज़ार करते करते सो गई। ना जाने वो किस वक्त घर लौटे थे और फिर जब मेरी सुबह आँख खुली तो वो गहरी नींद सो रहे थे। मैंने उनके नाश्ते की तैयारी की, वो उठकर ऑफिस के लिए निकल गए। ये सब मुझे बहुत अजीब लग रहा था। शादी से पहले जो राज मेरे बगैर एक मिनट नहीं गुजार सकते थे, उनके पास मेरे लिए अब एक लम्हा भी नहीं था। मैंने भगवान को धन्यवाद किया कि बच्चे नानी के घर गए हुए हैं और मुझे इस बात को समझने की फुर्सत मिली कि मेरे और राज के बीच में कुछ भी पहले जैसा ठीक नहीं है। मैं सब कुछ ठीक कर देना चाहती थी और इसीलिए मैंने फिर एक अच्छा सा सूट निकाला, राज की पसंद का खाना पकाया, घर साफ सुथरा किया, शादी की एल्बम निकाल कर सामने रखी। सोचा उनके साथ बैठकर पुराने वक्त को याद करूंगी तो उनकी मोहब्बत भी जाग जाएगी। सारे कामों से फ्री हुई थी कि तभी दरवाज़ा बजा और खोलने पर वही हिजड़ा मेरे सामने खड़ा था। मैंने उससे कहा कि आज तुम फिर आ गए, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि मेरे पास अब पुराने कपड़े नहीं हैं जो मैं तुम्हें हर रोज़ उठाकर दे दूँ। तुमने अजीब मुश्किल कर दी है, महीनों हो गए हैं तुम इसी दरवाजे पर आते हुए, कोई और दरवाज़ा नहीं मिला क्या? तो वो धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा, देख लो मैडम, अगर उतरन नहीं दोगी तो तुम्हारा पति दूसरी शादी कर लेगा। मैंने एक गुस्से भरी नज़र उस पर डाली और कहा कि तुम मुझे ना जाने कितने दिनों से ये धमकी देकर डरा रहे हो, निकल जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई उतरन नहीं है। मेरे पति ने मुझसे मोहब्बत की शादी की है, वो ऐसे ही मुझे नहीं छोड़ सकते, मैं उनके 2 बच्चों की माँ हूँ। वो हिजड़ा कहने लगा, मर्दों का क्या भरोसा, जहाँ एक मोहब्बत हुई वही दूसरी भी हो जाएगी, वैसे भी अब तुम्हारी उम्र हो रही है, ऐसे में मर्दों को अपनी पत्नियाँ अच्छी नहीं लगती। उसकी बात पर मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि अगर तुम्हें यही सब बातें करनी है तो किसी और दरवाजे पर जाकर करो, मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने तो गुस्से में उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे पास उसे देने के लिए अब कोई भी सूट नहीं बचा था, क्योंकि जितने पुराने कपड़े थे वो सब ले जा चुका था और बहुत से सूट ऐसे थे जो काफ़ी अच्छे थे, फिर भी मुझे उसे देना पड़ गए थे। दरवाज़ा बंद करके मैं अंदर आ गई थी, लेकिन दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि बेटा, किसी हिजड़े की बद्दुआ ना लेना, ये लोग बहुत ख़ास होते हैं, इनकी दुआएं फ़ौरन कबूल होती हैं और बद्दुआएं भी। आज मैंने गुस्से में एक हिजड़े को नाराज़ कर दिया और इसीलिए परेशान हो रही थी, लेकिन मैं भी कहाँ तक उसकी बात मानती, कहाँ से इतने कपड़े लाती। मैं सर पकड़ कर बैठ गई थी। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था, 6 से रात के 8 बज गए। राज अभी तक घर नहीं लौटे थे। अक्सर ऐसा होता था कि वो लेट हो जाते थे, लेकिन आज अकेलेपन से मेरा दिल घबरा रहा था, इसलिए मैंने उन्हें फ़ोन मिलाया तो उनका फ़ोन भी बंद जा रहा था। मुझे ये बात परेशान कर गई। मैंने थोड़ी थोड़ी देर के बाद फिर नंबर मिलाया, लेकिन हर बार नंबर बंद था। जब कुछ समझ न आया, मैंने ऑफिस के नंबर पर फ़ोन मिला दिया।
रिसेप्शनिस्ट ने फोन उठाया। मैंने राज का पूछा तो कहने लगी, वो तो हमेशा की तरह 5 बजे ही ऑफिस से निकल गए, इससे ज्यादा तो वो कभी रुकते ही नहीं। ये सुनकर मेरे होश ठिकाने आ गए। मैंने कहा कि शायद आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी, मैं राज सिंह की बात कर रही हूँ जो हेड डिपार्टमेंट में होते हैं। वो कहने लगी, जी मैडम मैं जानती हूँ, हमारे ऑफिस में एक ही राज सर हैं और इसीलिए मैंने आपको फौरन ही बता दिया है, और उनकी ड्यूटी 5 बजे ख़त्म हो जाती है और वो 5 बजे ही यहाँ से निकल जाते हैं। ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया और मुझे लगा कि किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया। वो तो मुझसे रोज़ यही कहता था कि ऑफिस में बहुत काम है इसलिए देर सवेर हो जाती थी, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, कभी 10 बजे भी आ जाया करते थे। वो तो आज बच्चे ना होने की वजह से मेरा दिल कुछ घबरा गया। मैंने फ़ोन किया, वरना रोज़ाना मुझे टाइम ही कहाँ होता था। वो जब भी आते हैं मुस्कुरा कर उनका वेलकम करती, लेकिन कभी ये ना पूछा कि इतनी देर क्यों हो गई। अगर वो 5 बजे ऑफिस से निकल जाते हैं तो फिर कहाँ जाते हैं, इस सवाल ने मेरा दिल दहला दिया। कुछ देर पहले वाली उसी हिजड़े की बात मुझे याद आई, अगर मुझे पुराना सूट ना दिया तो तेरा पति दूसरी शादी कर लेगा। कहीं सच में ही मेरे पति ने, ये सोचकर मेरी जान निकल गई थी। राज मुझसे बहुत प्यार करते थे, वो ऐसा कैसे कर सकते थे। सारे परिवार से लड़कर उन्होंने मुझसे शादी की थी, मैं उनके 2 बच्चों की माँ थी, तो फिर कैसे वो मुझे धोखा दे सकते थे। मैंने फिर से राज का नंबर मिलाया लेकिन फ़ोन बंद आ रहा था, और फिर मैंने उनके सबसे करीब दोस्त मोहित का नंबर मिलाया। मैं जानती थी कि राज अपनी हर छोटी से छोटी बात भी मोहित को बताते हैं, अगर ऐसी कोई बात होगी तो मोहित को ज़रूर पता होगा। मोहित ने फ़ोन उठाया और बड़ी खुशी से नमस्ते करने के बाद मेरा हालचाल पूछने लगा, लेकिन इस वक्त मेरा किसी भी खुशी का कोई इरादा नहीं था। मैंने सख्ती से कहा कि मोहित अपने दोस्त के दूसरे घर का पता बताओ। मेरी बात सुनकर वो बड़बड़ाने लगा, भाभी क्या हो गया, आप कैसी बातें कर रही हैं। मैंने कड़क लहजे में कहा कि मुझे मालूम है कि तुम्हारा दोस्त झूठ बोल के दूसरे घर जाता है, अगर मुझे उसके दूसरे घर का पता नहीं बताया तो मैं किसी ना किसी तरह ढूंढ लूंगी, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। तुम सिर्फ राज के दोस्त नहीं हो बल्कि मैंने तुम्हें हमेशा भाई कहा है। अगर तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, मैंने अंधेरे में तीर चलाया था और तीर निशाने पर लगा। कुछ ही देर बाद मोहित ने वो पता मुझे बता दिया जहाँ मेरे पति का दूसरा आशियाना आबाद था। उस पते को मैंने कागज़ पर लिख कर ना जाने कितनी बार पढ़ा था, आंखों से टिप टिप आंसू गिर रहे थे। ये सब क्या था, एक बेटा एक बेटी, इतना खूबसूरत हमारा घर, फिर मेरे पति ने ये सब क्यों किया था, उसने मेरी पीठ पर चाकू क्यों घोंपा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने घर को ताला लगाया, सड़क से रिक्शा लिया और उस पते पर पहुंच चुकी थी। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैं नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला है, यहाँ आने के बाद मेरा घर, मेरी मोहब्बत, मेरे बच्चे, क्या सब कुछ टूट जाएगा। मैंने धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही दरवाज़ा खुला मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि दरवाज़ा खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि वही हिजड़ा था जो मुझे मेरे पति की दूसरी शादी की बद्दुआ दिया करता था। उसकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी तो वो मुस्कुरा दिया और पूछने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या मेरी बद्दुआ से डर कर अपने उतरन मुझे देने के लिए यहाँ गई हो। मैं हक्का बक्का से खड़ी उसे देख रही थी। कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरा पति कहाँ है। उसने बिना कुछ कहे ही मुझे अंदर आने का रास्ता दिया। मैंने जैसे ही अंदर कदम रखा मुझे सामने ही अपना पति नजर आ गया। वो चारपाई पर एक औरत के साथ बैठा था और उस औरत को देख के मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मैं उस चेहरे को बहुत अच्छी तरह पहचानती थी, लेकिन मैंने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा था कि यहाँ आकर मुझे ये चेहरा देखने को मिलेगा। राज की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी वो चुप हो गया और फिर कहने लगे कि अमृता तुम यहाँ कैसे आई, तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया। उनकी बात का जवाब देने के बजाय मैं खामोशी से उन्हें देखने लगी। उस हिजड़े ने एक स्टूल ला के रख दिया और कहने लगा, बैठ जाओ। मैं अजीब से हाल में थी, मैं खामोशी से स्टूल पर बैठ गई, जुबान मेरा साथ छोड़ गई थी, लगता था कि शब्द ही खत्म हो गए थे। राज ने भी कोई बात नहीं की थी और ना ही उस औरत ने, हर कोई अपनी जगह खामोश था, सब एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। और फिर काफ़ी देर बाद राज ने ही धीरे धीरे से बात शुरू की और मैं सर झुकाए उनकी बातें सुनती चली गई। मैं जान गई थी कि ये दूसरा घर क्यों था, इसकी नौबत क्यों आई थी, क्योंकि वजह कोई और नहीं बल्कि मैं खुद थी। राज कहने लगे कि अमृता मैं तुमसे प्यार करता था, मैंने तुम्हारे खातिर अपने घर वालों से झगड़ा किया, किसी की बात को अहमियत नहीं दी और तुमसे शादी कर ली। शादी के कुछ महीने बाद तुम हर रोज़ मेरी माँ की शिकायतें मुझसे करने लगी, तुम यही कहती कि वो बुरी हैं, तुम्हारा उनके साथ गुजारा नहीं हो सकता, और मुझे भी यही लगता कि शायद मैंने अपनी पसंद से शादी की है इसलिए मेरी माँ तुम्हारे साथ जुल्म करती होंगी। मेरे दिल में अपनी माँ के लिए नफरत बढ़ती चली गई। मैंने कभी भी अपनी माँ की बात नहीं सुनी,
हमेशा तुम पर यकीन किया, तुम्हारी बात सुनी, और फिर एक दिन तुमने खामोशी से मेरी माँ को घर से निकाल दिया और मुझसे झूठ कहा कि मेरी माँ खुद ही घर छोड़कर दूसरे शहर अपनी बहन के घर चली गई हैं। मैं भी तुम्हारी बातों में आकर इस कदर अंधा हो चुका था कि मैंने ना ही अपनी माँ के ऊपर भरोसा किया, ना ही उनके जाने के बाद उन्हें ढूंढा, बल्कि ये सोचकर बैठ गया कि वो अपनी बहन के घर खुश होंगी। साल पर साल गुजरते चले गए, हम दो बच्चों के माँ बाप बन गए, तुम बच्चों में बिजी हो गई, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ भी बिल्कुल मेरे लिए ऐसे ही मेहनत किया करती होंगी जैसे तुम बच्चों के लिए करती क्या करती थी। तुमने बच्चों के खातिर हमेशा मुझे अनदेखा किया और मुझे बचपन का हर वो पल याद आया। मेरी माँ ने मेरी खातिर खुद को और मेरे बाप को अनदेखा किया था, हर दिन अपनी माँ की याद सताने लगी थी। मुझे ये हिजड़ा डेली हमारे दरवाजे पर आता था, मैंने खुद इसे तुमसे बात करते देखा था। एक दिन मैं घर पहुंचा तो ये दरवाजे पर खड़ा था, इसने अभी तक दरवाजा खटखटाया नहीं था। मैंने सख्ती से कहा कि तुम क्यों रोज मेरे दरवाजे पर आ जाते हो, आखिर क्या चाहिए तुम्हें। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और ये कहने लगा कि मैं तो बस आप लोगों का हाल चाल पता करने आया था, किसी ने मुझे इसी काम पर रखा है कि मैं आपके घर आऊं और आप लोगों का हाल चाल पता करूं। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया, कौन है जिसे हमारी खैरियत चाहिए थी। मैंने इससे जब सख्ती से सवाल जवाब किए तो इसने रोते हुए बताया कि मेरी माँ को उसने संभाल रखा है। वो कहने लगा कि जब तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी माँ को धक्के देकर निकाला तब मैंने तुम्हारी माँ को सहारा दिया और अपने घर ले गया। मैं अकेला था इसीलिए मैंने तुम्हारी माँ को अपनी माँ की तरह रख लिया, लेकिन वो रोज तुम लोगों की खैरियत पूछती, इसलिए मैं भी यहाँ चला आता हूँ। तुम लोगों की खैरियत लेनी होती है लेकिन कोई तो बहाना चाहिए, इसलिए मैं सूट की फरमाइश कर देता हूँ। जब मुझे कोई बहुत पुराना सूट मिल जाता है तो मैं ले लेता हूँ और तुम्हारी माँ को दिखाता हूँ, वो अपनी बहू के कपड़े पहचानती है, उसे यकीन हो जाता है कि मैं तुम्हारे घर आया था, तुम्हारी खैरियत ली थी। वो अपनी बहू के कपड़ों को सीने से लगाती हैं और बहुत आंसू बहाती हैं। ये सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया, मैं जिस माँ को भूल बैठा था वो अभी मेरी खैरियत इस तरह हासिल कर रही थी। और फिर मैं तुम्हें बिना बताए अपनी माँ के पास पहुँचा और मुझे पता चला कि तुमने किस तरह मेरी माँ को घर से निकाला। मुझसे ज़्यादा तो ये हिजड़ा मेरी माँ का अपना निकला, जिसने गैर खून होते हुए भी मेरी माँ को न सिर्फ सहारा दिया बल्कि उन्हें रहने की जगह भी दी और इज्जत भी। मैंने कई बार माँ से कहा कि वो मेरे साथ घर चले, लेकिन माँ ने मना कर दिया। वो यहाँ खुश थी, इस हिजड़े ने उन्हें बहुत मोहब्बत दी थी और इस मोहब्बत ने उन्हें जीत लिया, और मैं सगी औलाद होकर भी हार गया। मैंने खुद तुम्हें माँ के बारे में कभी कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम्हें मेरी माँ का पता चलता तो तुम मुझे यहाँ आने से भी रोक देती। मैं तुमसे छुप छुप कर रोज़ अपनी माँ से यहाँ मिलने के लिए आता था, उनके साथ वक्त बिताता। वैसे भी तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही कहाँ था, ना ही मैंने दूसरी शादी की है और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है। मैं इस दूसरे घर में सिर्फ अपनी माँ के लिए आता हूँ। तुम बहुत बदनसीब हो जिसने घर से एक बड़े बुजुर्ग को निकाल दिया। अगर मेरी माँ तुम्हारे साथ होती तो आज तुम इस तरह घनचक्कर ना बनी होती। बच्चों को स्कूल से लाना, लेकर जाना, घर की देखभाल, सफाई सुथराई, और फिर हर छोटी बड़ी बात के लिए बच्चों को लेकर तनाव, परेशान होना, तुम्हें ये सब ना करना पड़ता। मेरी माँ का होना तुम्हारे लिए सहारा बन जाता, लेकिन तुमसे मेरी माँ की मौजूदगी बर्दाश्त थी कहाँ होती थी। तुम अपने घर में अपने बच्चों के साथ सुकून से रहो, मैं डेली यहाँ अपनी माँ से मिलने आता हूँ, शाम में भी और रात में भी। तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा। मुझे तो इस तुम्हें देख कर ही नफरत का एहसास होता है कि तुम कितनी स्वार्थी हो। अगर हर औरत तुम जैसी होती है तो मुझे कभी दूसरी शादी करनी ही नहीं। वो सच जो मैंने बहुत सालों से छुपा रखा था वो मेरे पति के सामने आ गया था। वो जान गए थे कि उनकी माँ घर छोड़कर नहीं बल्कि मैंने उन्हें निकाला था। मैं उनकी नज़रों में गिर चुकी थी और ना जाने कब का गिर चुकी थी, लेकिन ये बात आज मुझे पता चली थी। मैं राज के पैरों में बैठ के उनसे अपने किए की माफ़ी मांग रही थी। मैं जो सारे रास्ते ये सोचती आई थी कि वहाँ जाकर मुझे राज की दूसरी पत्नी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ आकर सब कुछ उलट हो गया। मुझे राज की दूसरी पत्नी नहीं बल्कि उनके साथ उनकी माँ देखने को मिली थी। मैंने अपनी सास से भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी क्योंकि इस सोच ने मुझे हिलाकर रख दिया था कि मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं उन्हें वापस घर ले जाना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरे साथ नहीं आना चाहती थी। वो उस हिजड़े के साथ खुश थी। मैं खाली हाथ वापस घर लौट आई थी। मेरा पति भी मेरे साथ आया था, लेकिन उसका दिल वहीं रह गया था और ये बात मेरी अंतरात्मा को चोट पहुंचा रही थी। शायद यही मेरी सजा थी। मेरा पति मेरे साथ जिस्मानी तौर पर तो मौजूद था, लेकिन उसका दिल बस उसकी माँ के पास था। वो हर रोज़ अपनी माँ के पास जाता है और मैं खामोशी से उसका इंतज़ार करती हूँ। ना गिला करने का हक है, ना शिकवा करने की औकात। मैं नहीं जानती थी कि ये सब कब तक ऐसे ही होता रहेगा, कब तक मेरे दिल पर
ऐसे ही बोझ रहेगा, लेकिन मेरी सब बहनों से गुजारिश है कि घर के बड़ों को इज्जत दें, उन्हें घर से ना निकालें, अपने पास रखें। यही बड़े होते हैं जो पुण्य कमाने का जरिया बनते हैं। जो गलती मैंने की है ना, वो आप मत दोहराइएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मेरी अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।